आज मैं आपसे अपने मन की बात शेयर करना चाहूंगी। बात कड़वी जरूर है पर सच्ची है। बाबुल के घर से जब बेटी पिया के घर जाती है और जब वहाँ पे बहू को बहू और बेटी को बेटी समझा जाता है, तो वह बेटी बहू बनके बहुत से रिश्ते की बेड़ियों में बच जाती है। शादी से एक दिन पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है, बेटा चल छत पर चलें, कल तो तेरी शादी है, आज हम बेटी माँ बेटी पूरी रात बात करेंगे, आजा चल तेरे सिर की मालिश कर दूँ, तुझे अपनी गोद में सुलाऊँ। कहते कहते माँ की आंखें भर आती हैं और बेटी उनके आंसू पोंछते हुए कहती है, ऐसे मत रो माँ, मैं कौन सा विदेश जा रही हूँ, 2 घंटे ही तो लगते हैं आगरा से मथुरा आने में, जब चाहूँगी तब आ जाऊँगी। बेटी विदा हो जाती है, माँ की ढेर सारे सीख लिए, भाई भाभियों का प्यार लिए, पापा का आशीर्वाद लिए। जल्दी आना बिटिया, आती रहना बिटिया, कहते हाथ हिलाते सबके चेहरे धुंधले हो गए थे सीमा के आंसुओं में। संग बैठे कपिल उसे चुप कराते हुए कहते हैं, सोच लो पढ़ाई करने बाहर जा रही हो, जब मन करे तब ही चली आना। शादी के 1 साल बाद सीमा के दादाजी की मृत्यु हो गई। उसी समय कपिल के मामा की बेटी की भी शादी थी। कपिल सीमा से कहते हैं, ऐसी शादी छोड़कर कैसे जाएंगे, दादाजी को तो एक ना एक दिन जाना ही था, फिर कभी चले जाना। कुछ दिन पहले भी सीमा अपने मामा के बेटे की शादी में भी ना जा पाई थी, क्योंकि उसकी सासू माँ बीमार थी। सीमा चुप थी, क्योंकि माँ ने सिखा कर भेजा था कि अब वही तेरा घर है, जो वो लोग कहें वही करना। अब सीमा एक बेटी की माँ बन चुकी थी। जब उसे 5वां महीना चल रहा था, उसके चाचा की बिटिया की शादी पड़ी, परंतु सासू माँ ने ऐसी हालत में क्या करोगी जाकर बोलकर मना कर दिया। जब चाची ने कपिल को फोन किया कि हम पूरी सावधानी से सीमा को ले जाएं, तो कपिल ने बोला कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो आपकी ही जिम्मेदारी होगी। फिर भी माँ का फोन आया कि बेटा रहने दो, कुछ भी हुआ तो तेरे ससुराल वाले बहुत नाराज हो जाएंगे। दिन बीत रहे थे, कभी 2 दिन कभी 4 दिन के लिए वो अपने मायके जाती और बुझे मन से लौट आती थी। उन्हीं दिनों सीमा की ननद सुरभि की शादी फिक्स हो गई। सीमा और सुरभि में बहुत ही प्यार था। अब सीमा को दूसरा बच्चा भी होने वाला था, 4वें महीने की प्रेगनेंसी है, फिर भी वो घर बाहर का हर काम कर रही है। शादी का दिन भी आ गया, सीमा के आंसू रोके ही नहीं रुक रहे थे। दोनों ननन भाभी एक दूसरे को पकड़े खूब रो रहे थे, तभी सीमा की सास उसे समझाते हुए बोलती है कि ऐसे मत रो बेटा, कोई विदेश थोड़ी ही जा रही हो, जब मन करेगा तब आ जाना। सीमा की ननन बोलती है, नहीं माँ, जब दिल चाहे तब नहीं आ पाऊंगी। कैसे आऊंगी माँ, हो सकता है जब मेरा आने का मन हो तब मेरे ससुराल में कोई बीमार पड़ जाए, कभी किसी की शादी पड़ जाए, या कभी मेरा पति कह दे कि तुम अपने रिस्क पे जाओ, कुछ हुआ तो मुझे मत कहना। सब लोग अवाक रह गए और सीमा को देखने लगे। सुरभि बोली, कभी भाभी की जगह मुझे रख के देखिएगा। एक लड़की अपने जीवन के 24-25 साल जिस घर में गुजारती है, जिन रिश्तों के प्यार की खुशबू से उसका जीवन भरा होता है, उसको उसी घर जाने, उन्हीं रिश्तों को महसूस करने से रोक दिया जाता है। दोस्तों, ये किसी एक घर की कहानी नहीं है। हमारे समाज में शादी होते ही लड़कियों की प्राथमिकताएं बदल दी जाती हैं। अपना परिवार अपना घर ही पराया हो जाता है, वहां जाने के लिए उसे दूसरों की आज्ञा लेनी पड़ती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।